नमस्कार, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के इतिहास का पहला पाठ स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के पहले पैराग्राफ में भारतीय गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का वर्णन किया गया है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत विश्वगुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। वसुदेव कुटुंबकम, सभी के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना हमारे आदर्श रहे थे। दूसरे पैराग्राफ में भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी स्वरूप का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार समुद्र पार भारत की के अलावा विभिन्न देशों से भारत के संबंध थे और समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जनयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान और कोरिया तक अपनी संस्कृति और राजनीतिक साम्राज्य का किस प्रकार उन्होंने स्थापना की और उसका प्रचार प्रसार किया, इसका वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है। प्राचीन भारत में अनेक बंदरगाह और नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी और सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। भारतीयों ने जल और स्थल दोनों ही मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचकर अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और उनके निवासियों को हमारे धर्म और संस्कृति से परिचित करवाया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रचार प्रसार किया और हमारी सभ्यता और संस्कृति को और विकसित किया। इस पैराग्राफ में सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारतकालीन सभ्यता, संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता था। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता थी आदि का वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है। इसके पश्चात उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। अब ये जनपद अस्तित्व में किस कारण आए? ये आई लोह का व्यापक रूप से उपयोग किए जाने के कारण। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोह का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। लोह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6 शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। 6 शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। इसके पश्चात महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक। 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने जनपदों के बारे में पढ़ा है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा में कि महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में पाया जाता है, तो हमें याद रखना है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। महाजनपद और उनकी राजधानियां: काशी राजधानी वाराणसी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, अंग, चंपा, मगध, राजगृह या गिरिवज्र, वज्जी, विदेह और मिथिला, मल, कुशावती या कुशीनरा, चेदी, शक्तिमती, वत्स, कौसाम्बी, कौशल, अयोध्या बुद्ध काल में दो भागों में विभक्त थी। उत्तरी भाग की राजधानी को साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती। पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, मिथोरा और सूरसेनाई। यूनानी मथुरा को मिथोरा और सूरसेन को सूरसेनाई के नाम से पुकारते थे। अश्मक, पोतन या पाटेली। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती।
गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर या हटक। इसके पश्चात इन 16 महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य पाए जाते थे, राजतंत्र और गणतंत्र। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजतंत्र वंशानुगत शासन होता है, परंपरा के आधार पर राजा बदलते रहते हैं, और गणतंत्र उस समय राजतंत्रों में ही व्याप्त एक व्यवस्था थी। राजा राज करते थे, लेकिन कुछ व्यक्ति जनता के द्वारा चुने हुए होते थे जो शासन कार्य में जनता की भागीदारी निभाते थे। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रों का अस्तित्व भी मिलता है, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के साक्य, सुषुम्नागिरी के भाग, अलकप के बुल्ली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कौलीय, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। यहाँ से भी प्रश्न उठता है कि जनपद काल में किस किस प्रकार की राज्य प्रणालियाँ व्याप्त थी या विद्यमान थी, या किस प्रकार के राज्य स्थापित किए गए थे। तो गणतंत्र और राजतंत्र, इन दोनों से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि महाजनपदों में कौन कौन से महाजनपदों में राजतंत्र स्थापित थे और कौन कौन से महाजनपदों में गणतंत्रों की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात राजस्थान के प्रमुख महाजनपदों का वर्णन पाठ में किया गया है। यहाँ से प्रश्न भी आता है कि राजस्थान में प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे, या राजस्थान में जनपदों का आविर्भाव किस प्रकार हुआ। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सिवी, अर्जुनायन आदि जातियाँ, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से थे? सबसे पहले जांगल। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इनका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में हम नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इस जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे, और बीकानेर के राज्य चिन्ह पर भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। उसके पश्चात मत्स्य। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के आसपास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में विराट के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव था। तो यहाँ से देखिए दो तीन प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले मत्स्य जनपद की राजधानी और इसके क्षेत्र, तथा इसके पश्चात वर्तमान में इसका क्या नाम है, और कौन से मौर्य सम्राट से इसकी जानकारी हमें मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई और राजधानी को मेथुरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। सिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी, तथा राजा सुशीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिण पंजाब की ये सिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे सिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में थी।
इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुख के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इसे अनयु विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान करवाया जाता था। मतदान में बहुरंगी सलाखें काम में ली जाती थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। अगर प्रश्न मन में उठता संथागार क्या थी, तो संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। इस पैराग्राफ में जनपदों की शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।